कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण यात्रा ने मेरठ जिले में 22 जनवरी से पहले ही माहौल राममय बना दिया है। निवर्तमान मंत्री पंडित सुनील भराला के नेतृत्व में मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में निकाली जा रही इस यात्रा का करीब 108 स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। जनजागरण यात्रा का संत कनक प्रभा सरस्वती महाराज ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दोपहर बाद ओगनाथ मंदिर में उन कार सेवकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बाबरी ढांचा विध्वंस में भाग लिया था। पहले देखे मेरठ शहर में निकाली गई जनजागरण यात्रा का नजारा। इस मौके पर निवर्तमान मंत्री सुनील भराला ने मीडिया से यह कहा। भगवान श्री राम के 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उनके आह्वान पर आज पूरे भारत में स्वच्छता से लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों के निमित्त आज भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पूरे क्षेत्र में आज से एक यात्रा को प्रारंभ किया गया है जो 21 तारीख तक ये अनवरत चलेगी और पूरे मेरठ क्षेत्र में हापुड़ में किठोर में मेरठ शहर में मेरठ कैंट में मेरठ दक्षिण में अनवरत लगातार चलती रहेगी। भगवान श्री राम के 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उनके आह्वान पर आज पूरे भारत में स्वच्छता से लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों के निमित्त आज भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पूरे क्षेत्र में आज से एक यात्रा को प्रारंभ किया गया है जो 21 तारीख तक ये अनवरत चलेगी और पूरे मेरठ क्षेत्र में हापुड़ में किठोर में मेरठ शहर में मेरठ कैंट में मेरठ दक्षिण में अनवरत लगातार चलती रहेगी। आज प्रातः से ही लगभग 40 किलोमीटर से होती हुई शहर में यात्रा यहाँ पहुंची है। बाबा मनोहरनाथ मंदिर के सामने हम लोग यहाँ सब पहुंचे हैं और अभी यात्रा
जो है कम वहां जाकर के होती हुई करीबन 10 किलोमीटर ओगड़नाथ मंदिर भगवान शंकर जी के यहाँ पहुंचेगी और वहीं पर कार सेवा जो सेनानी है उनका वहां अभिनंदन और स्वागत होगा, उनको आज सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने यानी के लंबे समय पीढ़ी दर पीढ़ी उन परिवारों ने जो लड़ाई लड़ी थी भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के और वो विजय हुई है, वो काम आज पूरा हो रहा है, तो उनको वहां सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में मुझे भी रहने का सौभाग्य वहां प्राप्त हो रहा है और भगवान शंकर जी के दर्शन करके आज की यात्रा का विराम होगा, यही विश्राम होगा, कल प्रातः से यात्रा फिर प्रारंभ। मेरठ की जो महान जनता है जिन्होंने क्रांति की थी वे आज यहाँ से उस लड़ाई को विजयी अपने आप को जैसे विजय जल्लूस होता है आज विजय उत्सव के रूप में ऐसा महसूस कर रहे हैं। आज मुझे देखने को इतना मुझे भावनात्मक मुझे लगाव हो रहा है कि पूरा मेरठ शहर सड़कों पे उमड़ा है और जगह जगह लगभग 115 जगह तक स्वागत सम्मान के यानी कि 3 घंटे यात्रा लेट आ रही है, तो इसके कारण से इससे महसूस हो रहा है पूरे मेरठ के इन सभी वरिष्ठ नागरिक हमारे नौजवान और मातृ शक्ति का जो काफिला लगातार चल रहा है और जो अभी सैकड़ों गाड़ियां बाबा ओगड़नाथ मंदिर पर जो वहां लोग डटे हुए हैं, तो आज प्रातः से ही यानी कि प्रातः 5:30 बजे से ये कार्यक्रम लगातार अनवरत चल रहे हैं, तो सब लोग साथ हैं पूरा मेरठ और यहाँ की जो सामाजिक संगठन है, यहाँ के समाज सेवी हैं, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कार सेवक सेनानी हैं, वे सब साथ चल रहे हैं और आज उनका जो हर्षोल्लास है निश्चित रूप से आज से ही उनकी दिवाली पटाखों के माध्यम से चल रही है, फूलों की वर्षा हो रही है और यहाँ पर जगह जगह भंडारे किए इस यात्रा के सम्मान में, जगह जगह खिचड़ी वितरण कार्यक्रम करे और जगह जगह लड्डू वितरण कार्यक्रम करे, तो निश्चित रूप से आज जोश और उल्लास का विषय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।